सबसे पहले थैनोस की अब एक बार चिपका के देखेंगे। ओ ओ वाओ, ये देखो रिवर्स गियर में जा रही है। तो 1 2 3 एंड गो। ओ भाई ये क्या हुआ? ओ भाई वो तो टूट गया। ओ भाई साहब ये देखो यार, ओ माइंड ब्लोइंग यार। So elegant, so beautiful, just looking like a wow. Hello friends, एक बार आप लोग दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के स्लेटर और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रीन कलर टॉयज ऑफ हल्क। तो आज आप लोग देखने वाले एक छोटी सी टॉय से लेके एक बहुत बड़े 2-in-1 वाले रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर बन जाने वाले आरसी टैंक को और इसी के साथ एक ऑटोमेटिक ऐसा शॉर्पनर जिसमें पेंसिल और शॉर्पनर से छिलके पेंसिल ऑटोमेटिक बाहर आती है, छोटी डाईकास्ट कार से लेके होने वाले कुछ बड़ी वाली डाईकास्ट गाड़ियां जो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली और साथ ही में एक चैन वाली वॉच से लेके एलईडी रोबोटिक वॉच भी होने वाले। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल की सब्सक्राइब बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जितनी भी हमें लेटेस्ट वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो आज हम सबसे पहले ही देखने वाले हमारा एक 2-in-1 वाला रोबोटिक टैंक जो आता कुछ इस तरीके के बॉक्स में जिसपे आप देख भी सकते हो इसके अंदर 5D लाइट जलती है, प्लस में इसके अंदर म्यूजिक भी चलने वाला और ये इसको काफी ज्यादा खास बना देगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर वाला होने वाला। तो भाई इसको जो है सबसे पहले हम देखने वाले हैं और इसके अंदर बैटरीज भी डालने वाले। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा एक आरसी टैंक जो बनने वाला है थोड़ी ही देर में एक रोबोट। और ये रोबोट कहां से बनेगा इसको देखना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसका कलर कैमोफ्लाज है ना तो इस वजह से ये जल्दी से पता नहीं चलता। तो ये देखो ये ना यहां से खुलेगा और ये बनने वाला एक रोबोट और ये काफी ज्यादा बड़ा वाला रोबोट बनेगा और इसके यहां पर लगने वाली हमारी 3 AA बैटरी। तो 1 2 3 और इसके बाद इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और यहां से जो है इसको हम ऑन कर देंगे और ये वाला जो व्हील है ये रोटेटिंग व्हील है और इसके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह भी जलेगी और पीछे भी एलईडी लाइट जलेगी। जब इसको जमीन पर रख देते हैं तब इसकी सारी लाइट चलती है और ये देखो भाई, ओ माय गॉड भाई ये तोप देख रहे हो, दू 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 ये यहां से आवाज आ रही है और ये प्रॉपर एक रोबोट बन चुका है। तो भाई मैं ना आपको इसको यहीं पे दिखा के आपको मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइव एक्सपीरियंस करो और यहाँ पे भी ना भाई एलईडी लाइट जलेगी जिसको काफी ज्यादा गजब बनाएगी। तो आज मेरे साथ लाइव भाई युद्ध हो चुका है शुरू और हमारा मिलिट्री टैंक आ चुका है और ये देखो भाई सब एलईडी लाइट्स वगैरह इसकी कितनी अच्छी चल रही है और इसकी स्पीड वगैरह काफी बढ़िया है और इसकी एलईडी लाइट देखो यार, ओए ओए भाई ये लो ये ट्रांसफॉर्मर बन चुका और ये बन चुका हमारा 2-in-1 वाला टैंक यानी कि रोबोट इस टाइम बन चुका जिसकी तोप ऊपर से करके कर रही है और भाई इसको जैसे पता चलता है ना कि इसकी टक्कर होने वाली है दीवार से तो ये ऑटोमेटिक अपना रास्ता बदल लेता है। ये देखो भाई वेरी स्मार्ट भाई, इसको पता है कि यहाँ पे दुश्मन खड़े हैं एनिमीज तो इसलिए अपनी जगह बदल लेता है और अंधेरे में तो इसकी लाइट, ओए होए आपका भाई साहब डांस करने का मन कर जाएगा इसको देख के। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, सो ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ज्यादा तगड़ी और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है ये तो, ओ माय गॉड। ओ भाई साहब हल्क ने जो है ना भाई इसके ऊपर कूद कूद के इस टैंक की जान निकाल दी और भाई साहब जैसा आपने फिल्मों में देखा कि वो टैंक वैंक तोड़ देता है, हेलीकॉप्टर वगैरह जो होती है सब कुछ तोड़ देता है, तो सेम वही वाला हाल हुआ है। और ये वाले टैंक के बारे में एक चीज तो भाई कहनी पड़ेगी कि ये जो टैंक है ये अपने आप में काफी तगड़ी चीज है क्योंकि भाई इसकी 5D लाइटें जल्दी तो अंधेरे में, ओए होए काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और भाई हल्क जो है ना काफी ज्यादा खुश भी होगा क्योंकि उसके पास एक इतना बड़ा टैंक है यार, क्योंकि वो छोटे से टैंक में फिट ही नहीं होगा तो उसके पास ये देखो इतना बड़ा साइज का टैंक है जिसके अंदर वो आराम से बैठ के धुआं धाड़ मचा सकता है। और ये तो दुम तुम यहाँ पे भी एक एलईडी बल्ब लगा रखा है और यहाँ पे भी एलईडी लाइट जलती है और जब ये खुल जाता तो इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ये वाला टैंक काफी ज्यादा पसंद आया जो अपने आप में रोबोट बन जाता और पता भी नहीं चलता कि रोबोट है भी या नहीं है, तो आपको करना है अपना नाम और उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना हल्क टैंक ताकि ये वाला जो आपको 2-in-1 वाला हल्क का रोबोट वाला टैंक गिव अवे हो सके। तो अब इसको रख देते हैं इसकी जगह पे, काफी भारी भी है यार ये। अब उसके बाद हमने ले लिया भाई एक पोस्ट कियाना वाली कार जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये भाई दो ही लोगों के पास है, एक तो आयरन मैन के पास और दूसरा ये हमारे हल्क के पास। तो यार ये आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया इसकी पॉलिश वगैरह और के जेट ब्लैक एकदम शीशे हैं और पीछे वाले शीशे पे भी वाइपर दे रखा और ऊपर एक पैनोरामिक सनरूफ है यानी ऊपर तक किसकी छत हट जाती है ताकि आराम से जो है भाई ये सूरज के मजे ले सके और उनमें खुली हवा आ सके। और ये वाला जो लोगो है पोस्ट का ही लोगो है, इसके जो व्हील्स वगैरह भी काफी तगड़े और नीचे जो ये वाला व्हील दे रखा ना ये भाई एक इसको सीक्रेट चीज बनाता है क्योंकि ये इसको 360 डिग्री पे गोल गोल घुमाता है यानी कि 360 डिग्री ऐसे गोल गोल घूम के ये आपको ड्रिफ्ट दिखाती है और ये स्टंट भी कर देती है क्योंकि 360 डिग्री गोल गोल भी घूमती है। इसके अंदर भी हमेशा की तरह हमारी लगेंगी 3 AA वाली बैटरी, 1, 2 और ये 3। तो भाई इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और यहां से इसको कर देंगे ऑन और इसके अंदर डीजे वाली लाइट्स भी जल रही हैं और ये देख रहे हो भाई हीटिंग एलिमेंट्स तक लगे हुए हैं जो एक प्रॉपर पॉश वाली कार में लगे होते हैं। और इसके अंदर पता पार्टी कौन कौन कर रहा है, स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन सारे इसके दोस्त बैठे हुए हैं और ये काफी ज्यादा भाई इसके अंदर धुआं उठाने वाले और ये काफी ज्यादा मजे भी करने वाले हैं।
तो इसी के साथ जो इसका रिमोट आता है उसके अंदर भी हमारी लगने वाली है दो डबल ए बैटरी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और अब हम जो है भाई इसके मजे लेने वाले हैं और इसके बाद लाइव भी देखेंगे। तो इससे आगे जाएगी इससे पीछे, तो ये देखो इसको ऐसे करके दबाओगे तो ये गाड़ी जो है आगे की तरफ जाती है और ये काफ़ी तेज भी भाग रही है, और जब ये वाला बटन दबाएंगे तो इससे रिवर्स गियर लगाती है, देखो है ना कितनी कमाल की। तो भाई अब जो है इसका एक लाइव डेमो बनता है, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। ये देखो यार इसके टायर की स्पीड और ये इसकी हेडलाइट, अरे क्या लुक लुक हो रही है भाई साहब, ओ भाई रे सचमुच में भाई इसकी स्पीड है यार पता ही बवाल भाई रे, ओ माय गॉड भाई साहब मानना पड़ेगा ये वाली जो गाड़ी है डीजे वाली है काफी ज्यादा भयंकर है, और इसके साथ भाई डांस करने में भी इनको बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि इसके अंदर जो है ना ऐसी वाली लाइटें लगी जो इसको 3D बनाती हैं, जैसे कि भाई ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, और इसके अंदर जब तीनों लाइट जलती हैं तो आपका भी मन करेगा कि पार्टी करने का क्योंकि भाई मेरा जो है ना हकीकत में ऐसे ही मन कर रहा था भाई इस गाड़ी के अंदर लाइट जला और सारे बैठ के थोड़ी सी आवाज तेज करके डांस करेंगे। तो मेरे को तो ये वाली हल्क की आरसी कार काफी ज्यादा पसंद आई, अगर आप लोगों को भी बहुत पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है आरसी हल्क कार, ताकि ये वाली हल्क वाली कार आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखने वाले हम इसकी जगह पे। तो अब उसके बाद बारी आने वाली है हमारे क्रोलिंग वाले हल्क की, जो काफी ज्यादा तगड़ा, और ये देखो गुस्से में भी लग रहा है, और ये मिलिट्री वालों की तरफ से आज लड़ने के लिए जा रहा है और ये बचाने वाला है अपने देश को, टुकड़ 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 करके जाएगा। बट लेकिन मेरे से ज्यादा आवाज जो है ना इसकी अच्छी आने वाली, और ये दुख 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 करके भाई सारी की सारी गोलियां उतारने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जिन 15 लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा उनको बीच में ही दे दिया जाएगा शॉर्ट आउट, और उनमें से एक को नहीं दो को नहीं बल्कि तीन लोगों को मिलने वाला है दो तरीके के सरप्राइज गिव अवे, जिसमें की एक से भाई सब डोम्स की जियोमेट्री जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये हल्क वाले कलर में आती है जो ग्रीन कलर की आती है, और ये काफी ज्यादा सस्ती भी आती है, देखो 100 रुपए की आती है डोम्स की जियोमेट्री, ये होने वाले गिव अवे। और दूसरा ये महंगा वाला डाईकास्ट मॉडल कार जिसके अंदर जुरासिक पार्क से लेके एक फायर ड्रैगन वाली और सबमरीन पंडुबी और एक भाई साहब फायर स्टेशन वाली गाड़ी तक होने वाली है। तो आज जिन भी लोगों को शॉर्ट आउट मिलने वाला है उनकी वाक्य में काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाले। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने हल्क की तरफ, इसको जो हमें यहां से ओपन करना है और इसके अंदर दो डबल ए बैटरी लगानी है इस तरीके से, और इसके बाद जो है इसको ऑन करने वाले हम। तो यहाँ पर जो है इसका भाई एक स्विच बटन दे रखा है, ये देखो इस तरीके से ये हमारा जो है चल के आता है और ये डुक 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 करके बहुत तेज की गन चलाने लग जाता है। तो भाई इसको जो है ना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। तो युद्ध के मैदान में उतर चुका है हमारा हल्क, और ये देखो यार भाई कैसे चल रहा है ये भाई, इतनी तेज तेज की आवाज आ रही है इसके चलने की, एक बार अभी मैं आप लोगों को ना इसकी आवाज सुनाने वाला हूँ चलने की, लेकिन इससे पहले एक बार इसको रिवर्स करके देखते हैं। ओ वाओ ये देखो रिवर्स गियर में जा रही है सो एलिगेंट यार, कितना प्यारा लग रहा है ये, और भाई साहब इसकी जो आवाज है चलने की कितनी बढ़िया आ रही थी भाई, सो क्यूट यार सचमुच में, मेरा ना इस हल्क में दिल आ गया। क्यों कहा था ना मैंने कि ये वाला जो हल्क है ये काफी ज्यादा तगड़ा है ओ भाई रुक जा, ओ भाई ये जब जमीन पे चल रहा था और घास पे चल रहा था तो सचमुच में एकदम असली वाला मिलिट्री का मैन लग रहा था, जो लोग भाई आर्मी वाले होते हैं दुक 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 करके जो गन चलाते हैं सेम वैसे वाली फीलिंग दे रहा था। तो मुझको तो भाई ये क्रोलिंग वाला हल्क जो है काफी ज्यादा पसंद आया, और ये ना स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका वाला क्रोलिंग नहीं है, ये देखो इसका जो भाई पैर भी पंजा भी जो है ना हर एक चीज मूव होती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा असली भी लगता है। तो मुझको तो ये बॉडी बिल्डर वाला हल्क काफी ज्यादा पसंद आया, अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है क्रॉलिंग हल्क, ताकि ये वाला हल्क जो है आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो अब बारी आने वाली है हल्क वाली गन की, जो हमने कल देखी थी कैप्टन अमेरिका वाली गन, आज ये आई है इस वाले कलर में, जिसको कि हमारा जो है हल्क काफी ज्यादा यूज करता है, और इसका कलर जो है काफी ज्यादा बढ़िया, और ये बहुत ज्यादा पक्के वाले मेटल की बनी हुई है, और ये भाई कल की तरह नॉर्मल गन नहीं है, ये है 2-in-1 वाली गन, वो 2-in-1 वाली इसलिए कि इसके आगे आप डार्ट लगा सकते हो, सॉफ्ट ब्लड लगा सकते हो, और ये देखो इतना प्यारा साउंड था और यहाँ पर भाई इसकी लगती है जेल बॉल, जो कि हमारी और 20 बॉल होती है ना वाटर वाली, वो यहाँ पर लगती है, और इसके बाद इसको ऐसे लोड करते हैं और इसका साउंड आता है, तो धाए 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 करने का बहुत ज्यादा मजा आने वाला था भाई। उसी के साथ इसके लिए हमें चाहिए होगा एक करेक्टर, जिसको आज हम निशाना बनाएंगे, और हमने सोचा है कि भाई आज हम थैनोस से लड़ाई करने वाले, क्योंकि हल्क के मुकाबले जो है अगर कोई पावरफुल है तो वो थैनोस ही है। तो भाई चलो आ जाओ थैनोस की पिटाई करने वाले, तो आ जाओ लाइव डेमो पे। तो ये आ चुका है हमारा थैनोस, और दोनों के दोनों हल्क भी आ गए, तो देखने वाले सबसे पहले किसकी पिटाई होगी। तो भाई हम पिटाई करने वाले हैं सबसे पहले थैनोस की, ओ माई गॉड ये कैसे जमीन में गड़ गया, अब एक बार चिपका के देखेंगे, ओ माइंड ब्लोइंग यार। अब बारी आती है भाई वाटर बॉल की, सबसे पहले हम बड़े वाले हल्क को गिराने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, ओ भाई वो तो गिरा ही नहीं लेकिन थैनोस जरूर गिरिया ओ माय गॉड धाए 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 भाई सुपर यार, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ यार, ये जो गन है काफी ज्यादा बढ़िया, और इसको पता जितना मर्जी लोड कर लो, ये देखो
भाई इसके अंदर इतनी अच्छी वाली स्प्रिंग लगी हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर आपको कभी लगे ना कि लूज भी हो रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशली अलग से स्क्रू दे रखा है, इसको छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से कस लेना, जिसकी वजह से ये आपका और भी अच्छे से वर्क करने वाला। तो मुझको स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई 2-in-1 वाली गन। भाई इसका जो वाटर बोलती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, तो किसी से लगेगी भी नहीं, क्योंकि वो जैसी लगती है ना हिट होती है तो फूट जाती है। और जो इसके सॉफ्ट बुलेट थी, जो डार्ट थी भाई, वो शीशे पे चिपका लो, दरवाजे पे चिपका लो, या किसी को थैनोस को टपका दो भाई, किसी को भी आराम से शूट कर सकते हो। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों को भी ये हल्क वाली गन 2-in-1 पसंद आई हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क 2-in-1 गन, ताकि ये वाली जो बड़ी वाली गन है आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपनी दो वाटर वाली गेम, और ये दोनों की दोनों भाई हल्क वाले कलर में है। और आज हम लेने वाले 5 सेकंड इसके लिए और 5 सेकंड चैलेज इसके लिए, और देखने वाले कि हम इन दोनों डंडी के अंदर टोटल कितनी रिंग डाल सकते हैं, यानी कि कितने छल्ले डाल सकते हैं। 5 सेकंड चैलेंज होता है शुरू। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो भाई इसके अंदर दो पहले से ही थे, तो इसके अंदर से हम दो माइनस करने वाले हैं, ये दो हटाएंगे और हम येलो से गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो यानी कि भाई 5 सेकंड के अंदर अंदर मैंने इसके अंदर 4 छल्ले डाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर 4 की जगह 5 छल्ले डाल सकते हो, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपको लिखना अपना नाम, अपने नाम के आगे लिख देना वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, और उसके आगे वॉल लगा देना, ताकि ये वाली वाटर गेम आपको गिव अवे हो सके। और 5 सेकंड चैलेंज ही हम लेने वाले हैं इस वाली गेम के लिए, जो कि एकदम कार के स्टीयरिंग व्हील के डिजाइन में आते हैं, जूम पीप पीप। तो भाई चलो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओ माई गॉड भाई, ये तो पोपट हो गया। मेरे को लगा था कि आज तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसमें सिर्फ एक ही छल्ला है। अगर आपको ये लगता है कि आप कार के स्टीयरिंग व्हील वाली वाटर गेम के अंदर 5 सेकंड के अंदर अंदर 1 की जगह 2 छल्ले डाल सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना कार वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, और अपना नाम लिखना मत भूलना, ताकि ये वाली गेम भी आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ चुकी है हमारी 3 डाईकास्ट कार, और 7 वहां रखी है, जो काफी ज्यादा प्यारी होने वाली। तो भाई ये पहली वाली जो है, ये है लैम्बोर्गिनी कार, जो काफी ज्यादा महंगी आती है, ये भी हॉट व्हील्स वालों की तरफ से आती है। और ये सारी की सारी कार्स मेटल की होने वाली है, आज कोई भी प्लास्टिक वाली कार ही नहीं है। और ये वाली भी हॉट व्हील्स की तरफ से आती है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा छोटा सा हॉट व्हील, और ये भी काफी ज्यादा प्यारी है। और ये भाई पर्सनल काफी लोगों की फेवरेट है, और मेरी भी, क्योंकि ये भाई फोर्ड का मस्टैंग मॉडल है, जो काफी ज्यादा फेमस है, फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आपने देखी होगी, और ये स्पीड कार के नाम से काफी ज्यादा जानी जाती है। इसके अंदर अगर डिटेल देखोगे ना, तो आपको स्टीयरिंग व्हील से लेके एक छोटी सीट तक सब कुछ दिख जाएगा, जिसमें आप और मैं बैठने वाले हैं। और ये नीचे से भी भाई प्रॉपर मेटल की बनी हुई होती है, और ये सारी की सारी हॉट व्हील्स की तरफ से आती है। तो ये तीनों कार अगर आपको पसंद आए, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है 3 डाईकास्ट कार, ताकि 3 डाईकास्ट कार लिखोगे तो ये वाली तीनों आपको डाईकास्ट कार गिव अवे हो जाएगी। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और भाई साहब, जीप किस किस की फेवरेट है, और आरसी थार किस किस की फेवरेट है, क्योंकि इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो डाईकास्ट की तो है, यानी कि मेटल की तो है, पर ये साथ में ओपनेबल डोर के साथ भी आती है, यानी कि इसके दरवाजे वगैरह सब खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, और आगे की हेडलाइट से लेके इसका बंपर वगैरह, बोनट वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेटल से बना हुआ है। और इसके व्हील्स जो है, ये आपको MRF के ओरिजिनल वाले व्हील्स की याद दिला देंगे। और इस पे पीछे एक स्टपनी भी दे रखी है, जब आपका कोई टायर पंचर हो जाए, तो इसको पेचकस से निकाल के जो है, आप इसमें टायर निकाल के यहां लगा सकते हो। और ये आती है पुश बैक फीचर के साथ, जिसको कि छोड़ते ही ओ माय गॉड कुछ इस तरीके से बहुत तेज की आवाज आती है। और इसके शीशे वगैरह देखोगे ना, मिरर वगैरह, उसकी भी डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी कर रखी है। और जो इसके अंदर वो सबसे ज्यादा चीज जो है, जो अट्रैक्ट करती है, वो ये है भाई, ओरिजिनल वाली थार देखोगे ना, तो उसके पास आपको इस तरीके का लॉक वाला सिस्टम दिखेगा, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये आप जंगल सफारी करने के लिए और जंगलों में घूमने के लिए काफी ज्यादा मजेदार आएगा, क्योंकि ये ऊपर से ओपनेबल वाली थार है। तो भाई इसको रखते हैं इसकी जगह पर। अगर आपको ये थार पसंद आई, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल आरसी थार, ताकि ये वाली थार जो आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। भाई साहब, हल्क को जो है पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि उसने अभी की अभी मिलिट्री वाला एक कलेक्शन खरीदा डाई कास्ट कार का। और ये जितनी भी डाईकास्ट कार्स आप देख रहे हो, सारी की सारी हम लोगों पे ऑलरेडी है, और हम लोगों ने काफी सारी गिव अवे भी करी थी, जिसको निकाल लिया हमने अपने हाथ में। और ये देखो यार, ये भाई पहली वाली जो, ये काफी ज्यादा अच्छी वाली होने वाली है। और ये ना कोई छोटी मोटी डाईकास्ट कार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भाई ये फीचर्स आप देख रहे हो ना, ये चलने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये पंडू भी दिखाता हूं, जिसको सबमरीन बोलते हैं, ये पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर चलती है। और ये देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, इसके आपको पेंट से ही पता चल रहा होगा, इसकी पॉलिश है कि ये काफी तगड़ी मेटल की बनी हुई डाईकास्ट कार है, जो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये सबमरीन है भाई,
और दूसरी वाली जो है ये एक एमयूवी कार है जिसमें भाई व्हीकल के साथ साथ काफी सारे लोगों को बिठा के आराम से लेके जाया जाता है और पीछे भाई कुल्हाड़ी वगैरह रख के ली जाती है ताकि जंगलों में अगर कहीं पे कोई सफर मुश्किल हो जाए तो बड़े आराम से हम कैंपिंग वगैरह कर सके, टेंट वगैरह कुछ भी लगाना तो वो लगा सकते। और ये एक मिलिट्री वाली गाड़ी है जिसमें कि लोग बैठ करके हल्के को पकड़ने के लिए आए। इसके व्हील देखो यार एक बार, जो मुझको पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आती है। और तीसरी वाली जो भाई ये हल्क की है क्योंकि इसके अंदर हल्क बैठ के जाता है और ये आपको थार की भी याद दिला देगी क्योंकि ये 4x4 वाली ही गाड़ी है। और इसके व्हील की ना फिनिशिंग देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट है भाई। ये पर्सनली काफी अच्छी लग रही है। ये देखो यार कितना ज्यादा तगड़ा इन्होंने लोहा यूज करा हुआ, ये प्रॉपर मेटल की है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये वाली जो है भाई, ये भाई फायर स्टेशन वाली गाड़ी है जो मिलिट्री वालों के पास होती है, सेम वही है ये। और इसके लिए इन्होंने हल्क को रख रखा और हल्क का वेट इतना ज्यादा है ना, ये आप देख ही सकते हो, जिसको भी दिखाऊंगा उसमें लाइट भी जलेगी हल्क में, कि वो ही इसके अंदर बैठ सकता है और वो इसको चला सकता है। और मेरे को ये क्यों पसंद है, क्योंकि ये भाई 4 व्हील वाली नहीं है, ये 6 व्हील वाली है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके अंदर टोटल 6 व्हील मिलते हैं। और इसका जो ऊपर का ये आप पता चाहो तो खोल भी सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से खुल जाता है। और इस जीने को लंबा करके जहां पर आग लगी होती है वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, यानी उनको बचा लिया जाता है। तो है ना ये एकदम प्यारी वाली, और इसके अंदर 6 व्हील है, तो यानी कि ये पहली बार 6 व्हील वाली डाईकास्ट कार हम लोगों के पास आई है। और ये भाई छोटा सा डाईकास्ट का पूरा अपर मेटल से बना हुआ एक छोटा वाला टैंक, और बड़ा वाला तो आपने देखा ही था, उसके तो भाई इससे ही अलग है। और ये देखो यार कितना ज्यादा अच्छा है। और इसके टायर्स वगैरह जो है ना भाई बड़े बड़े बना रखे, यानी इतनी बड़ी ये मेटल की कार नहीं होंगी। और ये देखो ये पूरी 360 डिग्री में घूमता है जिससे कि गोली वगैरह मार सकता है, तो भाई रॉकेट की तरह ये इसके अंदर से बॉम्ब वगैरह आराम से फेंकता है। और ये पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी पसंद आया हो ये डाईकास्ट का पूरा अपर सेट, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना हल्क मिलिट्री डाईकास्ट सेट, ताकि ये सारी की सारी हल्क की गाड़ियां आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। तो ये एक्शन फिगर जो है भाई आप लोग जानते हो, ये है हल्क और इसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई है। और भाई ये काफी सारे कैरेक्टर्स में आते हैं जो कि हमने आपको सारे दिखा रखे, लेकिन आज बारी आई है फाइनली थैनोस के दादाजी की, जो कि है हमारा सबसे तगड़ा हीरो हल्क। मैं हूं हल्क। तो ये आप देख सकते हो ये आता है कुछ इस तरीके से, जो काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। और इसके अगर आप बॉडी वगैरह देखोगे तो ये देखो भाई इसके डोले इतने ज्यादा तगड़ा बाइसेप है, और ये किसी के अगर एक हाथ मारे तो भाई वो टूट सकता है धुड़ुम। ये देखो कितनी तेज किसी ने मुक्का मारा और ये पूरा ऊपर घुमा लेता अपने हाथ को, तो भाई इसके हाथ वगैरह जो प्रॉपर घूमते हैं। और इसकी गर्दन सिर्फ 180 डिग्री तक घूम सकती है, अरे क्या बात है भाई ये 360 डिग्री घुमा सकता है, यानी ऐसे करके विशुम करके किसी को भी पीट सकता है बड़े आराम से। और पीछे जो ये बटन दे रखा है इसको दबाते इसके अंदर से एलईडी लाइट जलती है, ये देखो तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा। और इसकी अच्छी चीज बताऊं, देखो जब इसको ऐसे करोगे ना आप और इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा देना और उसके बाद इसको देखना कि कितना ज्यादा तगड़ा लगता है। तो इसको तो मैंने आपको दिखाया था जब हमने थैनोस को पीटा था पकड़ के, और इसकी ना भाई पैर की मूवमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी है, देखो प्रॉपर पीछे तक जाते हैं इसके घुटने। और ये जो इसकी टांग है ये सारे भी पार्ट इसके मूवेबल है, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इसके साथ बड़े आराम से खेल सकते हो। अगर आपको ये वाला हल्क पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है द हल्क एक्शन फिगर, ताकि ये वाला हल्क जो है आपको गिव अवे हो सके। और ये काफी बड़ा साइज में ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर आपके हाथ को ढक देगा, ये उतना छोटा नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा वाला हल्क है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो भाई डाईकास्ट वाली कार जो है अभी भी काफी सारी बची हुई है, एक ये री, एक ये है, एक ये है, यार अभी भी काफी सारा बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है एक हल्क के मॉन्स्टर वाला ऑटोमेटिक शॉर्पनर, जो की इलेक्ट्रिक शॉर्पनर और इसके अंदर ऑटोमेटिक पेंसिल छीनने वाली। तो इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पर हमें चार्जिंग स्लॉट दिया गया जिसके अंदर आपको ये वाली चार्जिंग केबल लगानी होती है कुछ इस तरीके से, और इसको आप किसी भी अपने घर के चार्जर में लगा के चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको ना तो बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी इसको मैंने चार्ज नहीं कराया तो मैं फटाफट से इसके अंदर 2 AA बैटरी लगाने वाला हूं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये देखो अगर आपको अपनी पेंसिल छोटी छीलनी है तो आपको ये बीच में करना पड़ेगा, इससे ये ऑन हो जाएगा और आपकी जो निब है वो छोटी छिलेगी। और अगर आप चाहते हो लंबी निब छिले यानी कि एकदम लॉन्ग पॉइंट शार्पनर की तरह, तो आपको इसको यहां पर फुल करना होगा एक्सट्रीम लेवल पे, और ये आपका हल्क मॉन्स्टर वाला ऑटोमेटिक शार्पनर आपको छील के दे देगा। तो अब हम दिखाने वाले लाइव डेमो। तो ये ले लिया हमने एक पेंसिल और ये देखो बस आपको जो है ना इसको इस तरीके से दबाना है और यहां से ये पेंसिल ऑटोमेटिक छिलनी शुरू कर देगा। और इसका भाई साउंड सुनना काफी प्यारा आता है, ओ माय गॉड भाई कितना ज्यादा इसका प्यारा साउंड है यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसके अंदर हमारी पेंसिल छिल गई है। ओ भाई साहब ये देखो यार, ओ माइंड ब्लोइंग यार सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। भाई एक और निकाल के देखते हैं, ओ वाओ क्या बात है यार, सो स्वीट। ये देख रहे हो इतनी अच्छी इसने निब छिली है, मैं क्या ही बता भाई, इससे जो है ना आपकी ड्राइंग वगैरह काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है और आपकी राइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। और जो इसके अंदर का डस्ट है आप पूरा दिन अपनी पेंसिल छील सकते हो, और जैसे आपका लंच हो या आप अपने घर पे आ जाओ तो इसको इस तरीके से घुमाओगे तो इसके बाद आप इसको आराम से डस्टबिन में डाल सकते हो। और उसके बाद इसको लगाना उतना ही ज्यादा आसान है, और एक ऐसा शार्पनर आपको ना एक्स्ट्रा भी मिलता है, यानी कि ये आपका 6 महीने चलेगा
और दूसरा वाला शार्पनर आपका 6 महीने यानी 1 साल तक आपको शार्पनर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये दिखने में भी काफी कूल है, जिसको कि आप टेबल पे भी इस तरीके से रख सकते हो, क्योंकि ये मॉन्स्टर हल्क वाला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक शार्पनर है। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरी तरह ही, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना हल्क इलेक्ट्रिक शार्पनर ऑटोमेटिक, ताकि ये वाला जो है आपका शार्पनर गिव अवे हो सके। तो अब इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ चुका है हमारे हाथ में ब्रेव इंसिवल वाली एक ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि 3D प्रिंट के साथ आती है और काफी ज्यादा HD में आती है, जिसपे कि भाई आप देख सकते हो हल्क भी बनवाए कितने ज्यादा अच्छे डिजाइन में, इसका बेस्ट फ्रेंड स्पाइडरमैन भी है। तो भाई इसके अंदर आपको ड्यूअल शार्पनर मिलते हैं डबल, जिसके अंदर आप छोटी पेंसिल छील सकते हो, बड़ी पेंसिल की निब छील सकते हो, और प्लस में अगर आपके पास वैक्स क्रियॉन्स वगैरह तो वो भी आप इसके अंदर शार्प कर सकते हो, और यहां से आप जो डस्ट होता है शार्पनर का उसको भी निकाल के फेंक सकते हो। और इसी के अंदर आपको स्पेस मिलता है भाई इतना सारा सामान रखने के लिए। यहां पर जो है आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह रख सकते हो, और इसके अंदर कैलकुलेटर मिलता है, क्योंकि जैसी अगर आपके टीचर को शक हो तो इसको बंद कर लेना, बाहर से आपको ये स्टिकर दिखेगा जिसमें कि भाई देखो स्पाइडरमैन बाइक लेता हुआ जा रहा है, और दूसरे वाले में भाई अगर आप देखो इस तरीके से जो भाई अपना जाला फेंक रहा है, यानी कि वेब शूटर बना के दिखा रहा है, और जैसी आपकी मैडम चली जाए तो इसको आप जैसी दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपका दोबारा से कैलकुलेटर बाहर आ जाएगा। और इसके पीछे भी ना आपको काफी तगड़ा वाला स्पेस मिलता है, जिसके अंदर हमें अपना डी वगैरह रखना होता है, कंपास, और अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, और इसके अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट भी मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये वाला भाई ज्योमेट्री बॉक्स पसंद आया हल्क वाला, तो आपसे पूछने वाला हूं मैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये आराम से गिव अवे हो सकेगी। तो भाई आप लोगों को बताना कि 6-7 कितना होता है, और अब मैंने इसको बंद कर लिया है। तो जिस किसी को भी सही आंसर बताना कि 6-7 कितना होता है, तो उसको लिखना अपना नाम, और उसके आगे आपको लिखना है वाओ, और उसके आगे आपको लिखना है आंसर के 6-7 कितना होता है। तो भाई जिस जिसका भी सही आंसर आ चुका है तो उनको तो ये मिलने वाली है, और बाकी जो आप अपना आंसर मिला सकते हो ये देखो, तो 6-7 होता है 42। जिसका भी ये आंसर है कमेंट बॉक्स में मेरे को पता चली जाएगा, तो उन लोगों को मिल जाएगी ये वाली हल्के की ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको हम रखने वाले हैं इसकी जगह पे। और हल्के की जो दो वॉच है काफी ज्यादा प्यारी होने वाली, क्योंकि एक अलायंस इन्फिनिटी वॉर वाले जो एवेंजर्स एंड गेम में आपने देखी होगी, इसके अंदर भाई LED लाइट से लेके म्यूजिक तक चलता है, तो मतलब इतने फंक्शन है ना मैं क्या ही बताऊं। तो एक काम करते हैं, बताने की जगह भाई आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं। ये देखो भाई इसका जो प्रिंट वगैरह ना काफी ज्यादा तगड़ा, और हल्क देखो आई एम हल्क स्मैश, तो भाई ये देखो स्मैश भी कर रहा है, कितना गुस्से में दिख रहा हमारा हल्क, ये यार काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके जो फेस है, इसको जैसे आप फ्लिप करोगे तो ये देखो भाई इसके अंदर इसके तीनों दोस्त है, कैप्टन अमेरिका भी है, आयरन मैन भी है, हर एक चीज है। यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो, इस बटन से आप अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, और जब आप ये बटन दबाते हो तो भाई होता है सोने का सुहागा। ये देखो सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, भाई गुलाबी कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, इसके अंदर LED लाइट जलती है जो काफी ज्यादा जगमगा देती है, यानी आप आराम से अंधेरे में पार्टी कर सकते हो रूम्स की लाइट ऑफ करके। और ये वाला जो हल्का है ये काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला है आपके हाथ पे, बट लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये मेरे हाथ से ज्यादा ना आपके हाथ पे कूल लगेगी। तो अगर आपको ये वाली हल्क की वॉच पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क LED लाइट वॉच, क्योंकि ये LED वाली है, तो आपको ये गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो जिन भी लोगों को भाई साहब चैन वाली घड़ियां पसंद है, यानी चैन वाली वॉच, तो उनके लिए आ जाइए एवेंजर्स की तरफ से 2-in-1 वाली हल्क की स्पेशली बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली एक चैन वाली वॉच। और इसके अंदर वाइज साउंड भी आता है, जब इसका डायल आप घुमाओगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, इसके अंदर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल शेड, सारे कलर आपको मिलने वाले हैं जो एक हल्क के होते हैं। पर्पल कलर होता है भाई उसके निक्कर का कलर, और ये जो है ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये उसकी बॉडी का ही कलर है। और यहां से आप टाइम सेट कर सकते हो, यहां से हमेशा की तरह अलार्म, और इसको जब घुमाओगे तो इसके अंदर से भाई तगड़ा वाला साउंड आता है, ये सुनो भाई, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ, कितना ही तगड़ा इसका साउंड है। और इसको एक बार मैं आपको पहन के दिखाने वाला हूं। तो भाई ये चैन का लुक देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है प्रीमियम रोलेक्स की तरह। तो भाई जिस किसी को भी चैन वाली वॉच पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क चैन वाली वॉच, ताकि हल्क की चैन वाली वॉच आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको दोनों पसंद आई हो तो आपको लिखना है हल्क 2 watches, ताकि आपको हल्क की दोनों वॉच गिव अवे हो सके। और इसको भाई लॉक करने का सिस्टम बताया था, ताकि आप भूलो ना, ये देखो ये इस तरीके से भाई लॉक हो जाती है, और उसके बाद ना ये ढीली नहीं होगी और ना ये खुलेगी। और जैसे आपको खुलना हो तो इसके अंदर ऐसे तरीके से फिंगर डालोगे और ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो अब इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में एक बहुत चमचमाता हुआ हल्क की स्लाइम, जो काफी ज्यादा प्यारी है। और एक्चुअल में अगर आप इसको पीछे से पलट के देखोगे तो आपको ऐसा लगे कि ये इसके अंदर डूब चुका है ना, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर दबा हुआ है, और इसी के साथ तो खेलने का मजा आता है। ये देखो जैसे मान लो हमने इसको प्रॉपर इस तरीके से दबा दिया, अब हमें इसको ढूंढना होगा। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ इसको ढूंढने कैसे है। तो सबसे पहले तो स्लाइम को निकाल लेंगे
भाई मेरे को बड़ी हंसी आती है जब भी मैं स्लाइम के साथ खेलता हूँ, क्योंकि ना सच में बड़ा मजा आता है। और अगर इतनी अच्छी स्लाइम मिल जाए ना, ये देखो हमने इसको सेव भी कर लिया, तो भाई हमने इसको बचा लिया हमारे हल्क को। अगर इतनी अच्छी स्लाइम मिल जाती तो और भी सोने में सुहागा हो जाता, क्योंकि इससे आपके हाथ नहीं खराब होते, ना ये आपके हाथों में चिपकती है। देखो क्योंकि भाई ये नॉन स्टिक है, यानी कि इसके अंदर ग्लू नहीं है, और प्लस में इसके अंदर से भाई आपको स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल भी आ रही होगी। भाई सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये देखो हल्के छोटा सा, इतनी सी उम्र से ही देख रहे हो अभी भी इसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, मैं वो क्या ही बताऊँ। इसको हम भाई अपनी स्प्लेंडर की चाबी का छल्ला बना सकते हैं, या फिर हम अपनी साइकिल का चाबी का छल्ला बना सकते हैं, या इसको स्कूल की बैग की चैन में भी टांग सकते हैं, क्योंकि ये छल्ला जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और ये भाई एक इरेजर नहीं है जैसे कि वो वाली है, और वो वाली मैं आपको दिखाने वाला। तो भाई अगर आपको स्लाइम के साथ और किचन के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वो लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क स्लाइम, ताकि हल्क के साथ आपको स्लाइम गिव अवे हो सके। तो अब इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और जब किचन की बात चल ही रही है, तो भाई दो किचन हो रहा है, और ये भाई देखो टू इन वन, ये नंगू पुंगू इधर से हल्क है, और इधर से जैसे आप ढकोगे तो ये आपको हड्डी का ढांचा दिखेगा, यानी स्केलेटन। बट ये एक टू इन वन है, यानी इरेजर भी है ये, क्योंकि प्रॉपर रबड़ का बना हुआ। तो अगर आपको ये वाला कीचेन भी पसंद आया, तो भाई इसके बारे में भी आपको बताना है। और अगर आपको ये लेजर लाइट वाला कीचेन पसंद है, तो ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको मिलने वाले इसमें तीन लाइट है। ये देखो भाई, एक इस तरीके से गुलाब जलेगा, दूसरे में नीले वाले कलर का गुलाब दिखेगा, और तीसरे में बिच्च 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 वाली लाइट जलती है। और जैसे आप ये नीचे वाला बटन दबाते हो, इसके अंदर होता है कमाल, ये देखो। ओ भाई साहब, किसी दिन भाई साहब आपको लाइव डेमो दिखाने के चक्कर में ना मेरी स्क्रीन पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि लेजर लाइट से जो है ना भाई स्क्रीन को डैमेज पड़ता है, कैमरे के लेंस खराब हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों के दोनों छल्ले पसंद आए हो, यानी कीचेन, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना हल्क स्केलेटन प्लस लेजर लाइट कीचेन, ताकि ये दोनों के दोनों कीचेन आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। क्या आप लोगों को भी मेरी तरह भाई योयो और बेब्लेड और स्पिनर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो कांग्रेचुलेशन, आप लोग भी सेम मेरी तरह भाई इसके अंदर आपको एक चाबी मिलती है, जिससे कि आपका अगर कभी भी बेब्लेड की ये वाली मेटल की टिप लूज पड़ जाए, तो इस तरीके से आप जो अच्छे से कस सकते हो। और ये प्लास्टिक वाला नहीं है, ये भाई प्रॉपर मेटल का है। प्लास्टिक का जो हिस्सा ये ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला है, जो कि हल्क का डिजाइन है। और आज हम इसको ब्लू वाले के साथ भाई कंपटीशन कराने वाले हैं, जो हमारा कैप्टन अमेरिका, और उसके बाद देखेंगे इन दोनों में जीतता कौन है। और एक है भाई हमारे पास हल्क वाला योयो, जिसपे देखो चश्मा और स्माइल भी बनी हुई है, कितनी प्यारी। इसके अंदर भाई एक रोप दे रखी है, जिसको आपको फिंगर में डालना होता है, इस तरीके से फेंकना होता है, ऐसे वापस लेना होता है, ताकि ये नीचे जाए और वापस से घूम के ऊपर भी आ सके। तो भाई बेब्लेड का बैटल देखने से पहले आपको थोड़ा सा भाई स्पिनर के बारे में भी बताते हैं। ये आपने काफी बार देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर 16 स्टील के कंचे लगे हैं, और ऊपर लगे हैं भाई मोटे वाले 8 मेटल वाले कंचे, जिसकी आवाज भी आपने कई बार सुनी है। ओ माय गॉड, काफी तगड़ी आती है ना। तो 1 2 3 एंड गो। तो ये देखो भाई साहब, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये, और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी ने रथ का पहिया उठा रखा हो, बट एक्चुअल में ये एक स्पिनर है, जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और जब ये धीरे धीरे रुकने वाला होता है ना, तो भाई ऐसा लगता है कि बैरिंग्स को पता नहीं क्या हो गया, एक के ऊपर एक चढ़ रही है, बट ये स्लो होने की वजह से इस तरीके से दिखते हैं। तो मेरे को इसको देख के काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आप लोगों को भाई मेटल के स्पिनर के साथ खेलना बहुत पसंद है, और आपको प्लास्टिक के योयो भी काफी अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर एलईडी लाइट जल जाती है चलने के बाद, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना योयो एंड स्पिनर, ताकि ये दोनों की दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। और अब चलते हैं भाई कैप्टन अमेरिका से बैटल करने के लिए। तो आज मेरे साथ लाइव, तो 1 2 3 एंड गो। ओ भाई ये क्या हुआ? ओ भाई वो तो टूट गया यार, ये क्या हुआ? और लेकिन उसका जो नीचे का टॉप है ना भाई, वो मेटल की टिप होने की वजह से वो अभी भी चल रही है। ओ माय गॉड भाई, क्लियर विनर है भाई हमारा हल्क, क्योंकि ग्रीन वाले ने भाई ब्लू वाले को बिना टक्कर खाए हरा दिया वो, क्योंकि अपने आप ही टूट पड़ा। ओ माय गॉड भाई, हल्क ने ना कैप्टन अमेरिका की छुट्टी कर दी, काफी ज्यादा मजा आ गया। और बाकी अगर आप लोगों ने बैटल देखा है, तो आपको तो पता ही है एक्चुअल में कौन जीता था। तो आपको लिखना है उसका नाम, उसके आगे आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल के आपको लिखना है बैटल ऑफ हल्क बेब्लेड, ताकि ये वाला जो बेब्लेड है आपको गिव अवे हो सके, और आपको ये भी बेब्लेड गिव अवे हो जाएगा। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। तो ये आ चुका है हमारे पास ब्रेव का फॉर्मूला 1 वाली गाड़ी, और ये प्रॉपर मेटल की बनी है, और ये भाई काफी ज्यादा भारी है, और ये भी हॉट व्हील्स की तरफ से आते हैं, जो 89 मॉडल है, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इन सब वाली डाईकास्ट से। ये आरसी जो थार है ना, उससे भी काफी महंगी है, और मेरे को नहीं पता वो क्यों। और हाँ, ये शायद इसलिए भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो आप अगर व्हील का डिजाइन देखोगे ना, थोड़ा इन्होंने यूनिक कलर का बना रखा है, यानी कि इसका जो है भाई आधे से ज्यादा ऊपर है, और थोड़ा सा ही सिर्फ इन्होंने भार दे रखा है, मेरे को नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है। और ये भी भाई एक पुशबैक के डिजाइन में आते हैं, जिसके ऊपर आप टेक्सचर देखोगे तो आपको एकदम डिजाइन लगेगा एक ड्रैगन वाला है ना। तो भाई एक बार इसको पीछे करके देखते हैं, ताकि हमें जो है इसकी स्पीड का अंदाजा हो सके। तो भाई जैसे ही छोड़ेंगे, ओ माय गॉड भाई, यानी ये फर्श पे काफी तेज चल सकती है। तो भाई अगर आप लोगों को भी ये फॉर्मूला 1 वाली काफी ज्यादा अच्छी लगी हो, तो आपको लिखना है अपना नाम,
उसके आगे लिखना है वाओ, उसके आगे आपको लिखना है फॉर्मूला वन मेटल डाईकास्ट कार, ताकि ये वाली मेटल की कार आपको गिव अवे हो सके, और ये इन सब वाली मेटल कार से बड़ी है, बट लेकिन थार से बड़ी नहीं है। तो भाई इसको रखते हैं इसकी जगह पे। अगर थार से भी कुछ बड़ा है तो वो है हमारा एलॉय ट्रक, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फ्यूल की टंकी तक है। ये देखो ये रहा इसके अंदर फ्यूल टैंक, और ये प्रॉपर मेटल का बना हुआ है जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और ऊपर भाई देखो ये टायर रख के लेके जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाकी ना आप मेरे को गिन के बताओ इसके अंदर टोटल कितने टायर है, क्योंकि जिसने भी सही बताया उसको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिखना है आपको टोटल टायर, ताकि आपको जो है ये वाला अलॉय मॉडल यानी प्रॉपर डाईकास्ट का बना हुआ आपको ये अलॉय ट्रक गिव अवे हो सके। और अलॉय ट्रक जरूर लिखना, और ये भी पुशबैक फीचर के साथ आता है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये देखो भाई इसके डोर खुलते हैं, और इसके अंदर जो आप ये लोहा देख रहे हो ना, इसका लॉक एकदम असली वाला है, और ये वाला भी आपको एकदम असली वाले ट्रक की याद दिला देगा। और अंदर जो भाई आप देख रहे हो ये स्टेयरिंग व्हील, इसके अंदर एक्चुअल में लाइट भी जलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई 3 सेल इसके अंदर लगे हुए हैं, जो आप पेचकस का निशान देख रहे हो यहाँ 3 सेल लगे हैं जो हमारे वॉच के अंदर डलते हैं। और ये देखो अब आप सोचोगे चलेगा कैसे, तो भाई ये जो टायर है ना आपको इसको प्रेस करना है, ये देखो ओ माय गॉड आ गया ना मजा। तो इसके अंदर LED लाइट भी जलती है, और गाड़ी स्टार्ट होने का जो साउंड आता है ना वो भी प्रॉपर आपको आता है, और ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका ना दूसरा गेट भी ये देखो प्रॉपर अच्छे तरीके से खुल जाता है, तो मेरे को तो जूम ये काफी ज्यादा पसंद आया। और आगे से भी इसका जो मॉडल है बहुत ज्यादा सुंदर है। अब देखने वाले इसका दूसरा मॉडल भाई, ये तो हमारा अलॉय ट्रक जिसके अंदर टायर वगैरह रख के लेके जाते हैं, यानी सारा सामान रख के ले जाता है, और ये है बैंक नोट डिलीवरी वाली ट्रक, जिसके अंदर भाई नोटों के ना बंडल रखे होते हैं। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से खुलता है, यहाँ पे नोटों की गड्डी है, यहाँ पे नोटों की गड्डी होती है, और इसको नोटों को रखने के बाद इनको बंद कर दिया जाता है, और सील लगाने के बाद भाई ये गाड़ी जाती है ATM मशीन में, और ATM मशीन में ये सारे के सारे नोट अंदर जमा कर देती है। और इसके अंदर भी आप देखोगे पूरा ऊपर आपको डिटेल मिलेगी, और आगे से ये भी काफी सुंदर है, और इसके अंदर भी ये देखो हॉर्न वगैरह सब कुछ बजने वाला है। और ये भी भाई देखो पुल बैक वाले सिस्टम में आती है, ज़ूम भाई एकदम धूम वाली आवाज आ गई मुझको भाई ये धूम की याद दिला दी इसने, क्योंकि उन लोगों की गाड़ी में भी सेम ऐसी आवाज आती है। तो भाई अगर आप लोगों को ये बैंक नोट डिलीवरी वाला ट्रक और ये अलॉय ट्रक दोनों को दोनों पसंद आए, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है टू डाईकास्ट ट्रक या टू मेटल ट्रक, ताकि ये दोनों के दोनों भाई साहब आपको डाईकास्ट वाले मेटल के ट्रक गिव अवे हो सके। तो इनको रख देते हैं इनकी जगह पे। तो अब आने वाली है हमारे पास डाईकास्ट वाले ही मॉडल में, यानी कि मेटल की ही बनी हुई एक स्कूटी। आप सोच रहे हो इसके अंदर वो कलर नहीं है जो हमें चाहिए, तो वो ये रहा, मैंने पहले मंगा के लिख लिया था। और भाई जब ये अपना रूप बदलता है हल्क, तो उसके बाद भाई ये पिज्जा डिलीवरी करता है जोमेटो की तरफ से, जिसके अंदर बर्गर से लेके फ्रेंच फ्राइज वगैरह पेप्सी वगैरह सब चीज रहती है। और ये देखो खुलता भी है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक एक बर्गर रखा हुआ है। आप सोचोगे ये बर्गर है ना बट लेकिन ये एक मिनी रेजर है, तो ये जिसको भी गिव अवे होगा ना उसको ये मिनी रेजर भी मिलने वाली है, जिसको हम फैंसी रेजर के नाम से भी जानते हैं। तो भाई ये काफी ज्यादा प्यारी है ना, इसके अंदर इसे रखता है और टू करके जाता है, और भाई ये ऑर्डर देकर आ जाता है। और ये पुल बैक है, और आप मानोगे नहीं ये जितनी भी कार्स रखी और गाड़ियां रखी ना उन सब में तेज चलता है ये देखो ओ भाई ये ना थकता नहीं है, ये चलता ही रहता है, ये चलता रहता है। पता नहीं क्या इन्होंने भाई साहब ऐसी इंजीनियरिंग लगा रखी है कि जिसकी वजह से जो इसके टायर है यार ये जल्दी रुकते ही नहीं है, अभी भी देखो यार ये चल ही जा रहा है। तो इसका एक लाइव डेमो तो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में एक चीज और बताऊं, ये देखो ये ना इसके देखो टायर वगैरह भी मूव करता है, क्योंकि इसका जो हैंडल है ये भी प्रॉपर चलता है। और इसकी सीट देखो जैसे हमारे स्कूटर होते हैं एक्टिवा वाले, सेम ऐसे डिजाइन बना रखा है ना जिसपे लवली लाइन वगैरह लिखा, और ये प्रॉपर एकदम मेटल का, और ये एकदम वेस्पा की तरह डिजाइन में भी दे रखा है, तो आपको वेस्पा की भी याद नहीं आने वाली। तो भाई आज मेरे साथ लाइव भाई जो अब अपनी ड्यूटी पर निकलने वाला है, क्योंकि भाई वो जो है भाई पिज्जा डिलीवर करने वाला है, बर्गर डिलीवर करने वाला, और फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी वगैरह डिलीवर करने वाला। ये देखो भाई कितनी तेजी से भागा ये, ओ भाई रे एक राउंड ओवर बनता है, ओ माय गॉड वाओ ओ माय गॉड भाई ये सचमुच में काफी ज्यादा प्यारा, और मेरे को इसको देख के काफी ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों को भी ये देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया, और एक चीज बताओ ये भाई कैमरे में ना जल्दी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि जाते इतनी गोली की तरह है, बट लेकिन इसकी एक चीज क्या अच्छी है कि ये 360 डिग्री घूम के भाई स्टंट दिखा सकता है बड़े आराम से। तो अगर आप लोगों को भी ये वाला भाई स्कूटर काफी ज्यादा पसंद आया, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना हल्क स्कूटर, ताकि ये वाला स्कूटर आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो भाई हेलीकॉप्टर का बैटल देखने से पहले हम देखने वाले 3 सेल डलने के बाद जो चलती है वो वाली एक LED टॉर्च, और ये स्पेशली हल्क की है, और ये उन बच्चों के लिए भी काम आई जो भाई रात में सुसु करने डरते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक पॉकेट साइज है, जिसको पॉकेट में डालो और आराम से अंधेरे में जाके इसको यूज कर सकते हो। और ये देखो
जैसी ऑन होती है काफी ज्यादा तगड़ी वाली ना ये रोशनी फेंकती है, और अंधेरे में आप जब देखोगे तो ये भाई चार चांद लगा देती है, क्योंकि इसकी जो लाइट है वाकई में काफी ज्यादा ब्राइट है। अगर आपको ये टॉर्च पसंद है जिसके अंदर तीन सेल डलेंगे तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना हल्क टॉर्च, ताकि ये वाली किचन वाली टॉर्च आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और भाई साहब आज होने वाली है आखिरी लड़ाई हमारे हल्क के एक हेलीकॉप्टर के बीच में और एक हल्क के फार्मर वाले ट्रैक्टर के बीच में, जिसके अंदर दोनों की अपनी अपनी ही अलग खूबी है। और इसको तो देखो पायलट को कैसे गड़गड़ 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 करके ये गाड़ी चला रहा है और ये खुद भी नाच रहा है। भाई सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो भाई पहले बात करने वाले इस वाले हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसके पहिए वगैरह सारे बहुत कूल है और इसका प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा प्यारा है जो बहुत मजबूत है। और ये देख रहे हो पायलट कितना क्यूट लग रहा है, भाई ये बैठ के स्टीयरिंग भी हिला रहा था जिसकी वजह से ये टायर्स ऑटोमेटिक चल रहे थे और ये पंखे ऑटोमेटिक बहुत तेज की हिल भी रहे थे। और दूसरा भाई हमारे जो फार्मर ट्रैक्टर है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसके देख रहे हो सस्पेंशन कितने बढ़िया दे रखे हैं। यहाँ से आपको चढ़ना है, यहाँ बैठ के इसको आपको चलाना। और ये एक्सकीवेटर वाला भाई फार्मर ट्रक है जिसमें से कि भूसा वगैरह बड़े आराम से उठा सकते हो, और ये ऐसे खड़ा हो जाता है तो भाई एक रोबोट की तरह आपको दिखेगा। और ये एक आपको डांसिंग ट्रैक्टर भी बनके दिखाता है जो ऐसे गोल गोल घूम के 360 डिग्री स्टंट भी करता है। तो भाई मुझको तो काफी ज्यादा इसको देख के मजा आता है। तो अगर आपको ये दोनों के दोनों भाई बहुत पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना हल्क ट्रैक्टर एंड हल्क हेलीकॉप्टर, ताकि ये दोनों की दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। अब बारी आने वाले उन 15 लोगों को शॉर्ट आउट देने की। तो ये 15 नाम, नील चौगले, केशव, रोतेश, मोहित, आरव, लड्डू, रवि शर्मा, चिराग, अनुज, लक्ष्य, अपूर्व, गौरव, भवानी सिंह और तुझे बसार। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोगों को मिलने वाला है दो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सरप्राइजिव गिव अवे। तो पहला भाई डोम्स की तरफ से आने वाली जियोमेट्री जो काफी ज्यादा फेमस है, जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंटल है सबके सब इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और दूसरा डाईकास्ट मॉडल वाला एक प्रॉपर सेट, जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि पांच होने वाले टोटल डाईकास्ट कार्स, यानी कि भाई व्हीकल होंगे प्रॉपर, जिसमें कि आप देख सकते हो डायनासोर वाला भी जो जुरासिक पार्क के अंदर ये वाला चलता है, ये सारी की सारी मेटल की बनी हुई है डाईकास्ट वाली। तो आज वाकई में किन्हीं तीन लोगों के होने वाले बहुत ज्यादा बल्ले वाले, क्योंकि उनको मिलने वाला ये दोनों के दोनों सेट। तो ये था आज का अल्टीमेट और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ कलेक्शन ऑफ ग्रीन कलर टॉयज ऑफ हल्क, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े आज टॉयज थे। तो यार अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा करें इसको शेयर, और अगर इस पर भी 500 से ज्यादा लाइक आते तो भाई ये सारा का सारा हल्क का जो है भाई कर दिया जाएगा लोगों में गिव अवे। बट उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको बताना होगा हल्क का असली नाम, जो कि पिक्चर वाला नाम है। जिस किसी ने भाई मूवी वाला नाम देखा हुआ उनको भाई अपना नाम लिखना, उसके आगे हल्क का नाम लिख देना, ताकि भाई मेरे को पता रहे कि आपने लिखा है। और अपना नाम जरूर लिखना, नहीं तो पता नहीं चलता, आप कमेंट करते तो ये नहीं पता चलता कि भाई ये लिखा किसने था, तो इसलिए अपना नाम लिख देना। और साथ ही में अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल के सब्सक्राइब और बाद में दिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितने लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।